वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 5 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुनकरों, दस्तकारों और हस्तशिल्प के निर्माताओं को अपने मंच पर लाने हैं तो समर्थ नामक पहल शुरू की है। तो ये पहल शुरू की है फ्लिपकार्ट ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एन रवि ने 2019 में किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये बने हैं नागालैंड के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिशल ने वित्त वर्ष 2019-20 में GDP वृद्धि के अपने 7.1% के पूर्वानुमान को घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो अब कर दिया है 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटनाओं से निपटने हैं तो घटित समिति का प्रमुख कौन होगा। तो ये प्रमुख होंगे अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सेटेलाइट्स की सुपर अर्थ ग्रेड की खोज की है, जिसका नाम क्या है। तो इस सेटेलाइट का नाम है GJ357D। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए रेशम समाग्रह के तहत किस राज्य को लगभग 6.22 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तो इस योजना के तहत जो है तमिलनाडु राज्य को जो है 6.22 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप ब्लू टेलोन का अधिग्रहण किया जिसका सॉफ्टवेयर लोगों को कंपनियों के कुछ उच्च मूल्य वाले डेटा तक पहुँचने से रोक सकता है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइड ऑफ द नेशन जो है ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर विनायक एस हिरमत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन परागणकों की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन में शामिल होने वाला चौथा अफ्रीकी देश बन गया है। तो चौथा अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की स्थापना की है। तो ये स्थापना की है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में जारी उपराष्ट्रीय जल तनाव सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक क्या है। तो इसमें भारत का रैंक है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में 2 साल की भारत UK संयुक्त पहल कहाँ शुरू की गई थी जो उपग्रह और सेंसर डेटा को एकीकृत करके इलेक्ट्रिक वाहनों में भारत के परिवर्तन का समर्थन करने के लिए एक अद्वितीय वायु गुणवत्ता माप प्रणाली प्रदान करेगी। तो ये है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे जीवाश्म मंदिर के अवशेषों की खोज कहाँ की है। तो सबसे छोटे जीवाश्म मंदिर के अवशेषों की खोज जो है ये की है पेरू में, ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सचिवालय भवन को अब लोक सेवा भवन कहा जाएगा। तो सचिवालय भवन को लोक सेवा भवन कहा जाएगा, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के सहयोग से अलास्का में Aero-3 मिसाइल रक्षा प्रणाली के परीक्षणों की एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो ये संचालन किया है इसराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये उद्घाटन हुआ है राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 से हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम की संसद लंदन में प्रतिष्ठित इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रिया प्रियदर्शनी जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में प्राकलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया ग्रीस बापट को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th।